हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। आज का टॉपिक है कॉन्टैक्ट नंबर सेव कैसे करें। मेरे पास रेडमी का फ़ोन है, रेडमी के फ़ोन में कैसे कॉन्टैक्ट नंबर सेव करेंगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने के लिए डायल पैड को ओपन करना है। डायल पैड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट्स पे चले जाएंगे एंड यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर आप सेव कर रहे हैं तो आप अपना नाम या किसी का नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं अपना नाम डाल लेती हूँ एंड यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर डालना है तो मैं फ़ोन नंबर भी डाल लेती हूँ जल्दी से। एंड यहाँ पर आपको ऐड इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस, बर्थडे, कब जिसका भी आप कॉन्टैक्ट सेव करें उसका बर्थडे, एड्रेस ये सब आप डाल सकते हैं। बट मुझे नहीं डालना है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं राइट कर देती हूँ। यहाँ से फ़ोटो भी लगाएंगे, टैग फोटो पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं और चूज़ फोटो पर क्लिक करते हैं। अगर गैलरी में आपकी फ़ोटो है तो वो चूज़ करके लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टैग फोटो पर जाऊँगी एंड यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो जो है क्लिक कर लूँगी। जल्दी से मैं अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया है। यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको फ़ोटो क्रॉप करनी है और ओके पे क्लिक कर देंगे और राइट पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपने फ़ोन में आप ऐसे ही कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना आ गया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।